हे गाइस, तो पीजी वालों के काफी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमारे एग्जाम फॉर्म कब तक आएंगे, इसके बारे में तो कुछ अपडेट दो। तो जी हाँ मेरे भाई, इस वीडियो में आप लोग के लिए फुल एक अपडेट लेके आया हूँ, आपके एग्जाम फॉर्म से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना और आपके सारे डाउट क्लियर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप लोग देख लेना, अधिसूचना दिनांक 2020 में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए ये पूरा अपडेट है। सत्र 2019-2020 की स्नातकोत्तर स्तर यानी कि पीजी प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर एमए एमकॉम एमएससी के ऐसे छात्र या छात्रा जिनकी दिसंबर 2020 द्वितीय या विशेष अवसर में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें आगामी परीक्षा हेतु समान शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने की निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है। दोस्तों यहां पे क्लियर कर दिया है कि यदि आप फर्स्ट और तृतीय सेमेस्टर के हैं और आप एमए और एमकॉम और एमएससी के हैं और आपने जो दिसंबर 2020 में एग्जाम दिया है और उसमें आप फेल हो गए हो या फिर किसी कारण से आपका सब्जेक्ट रुका हुआ है, तो आने वाले समय में आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं, तो उसके एग्जाम फॉर्म की यहाँ पे डेट बताई गई है, एग्जाम का टाइम टेबल बहुत जल्द आने वाला है, तो इसमें मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोग देख लेना, समान शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि आज से 9 मार्च 2021 से 12 मार्च 2021 तक यहाँ पे डेट दी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार आप है जो 12 मार्च इसकी लास्ट डेट दी गई है। दोस्तों फीस की भी मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे आप लोग फीस भी देख लेना। स्वस्थायी या भूतपूर्व स्नातक परीक्षार्थी समस्त विषय हेतु परीक्षा आवेदन पत्र यदि आप प्राइवेट हैं तो आपको यहाँ पे 1580 देना पड़ेगा। नियमित या भूतपूर्व परीक्षार्थी समस्त विषय हेतु 1330 रूपए, समस्त विदेशी छात्र को देय शुल्क 2720 रूपए, एक विषय हेतु परीक्षा आवेदन शुल्क 760 रूपए और पोर्टल शुल्क आपको 25 रूपए देना ही पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार ये पूरा अपडेट था। तो यदि आप पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अपडेट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।